दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। और ये जो न्यूज आप देख रहे हैं जागरण जोस पे, दैनिक जागरण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां देखने को मिल रहा है। और ये कब आया हुआ है तो यहाँ देखिएगा, साक्षी सहरोहा अप्रैल 8, 2021 को ये पब्लिश किया गया ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल के अनुसार देखिएगा, बिहार एस्टेट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है पेपर वन और पेपर टू के लिए। पेपर वन मतलब क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक होता है और पेपर टू मतलब 11 12 होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल में, और अप्रैल से लेके मई तक इस नोटिफिकेशन को फिल कराया जाएगा। उसके बाद जून में इसका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है और जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट को निकाला जा सकता है इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। उसके अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो केवल एक ही पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये देना होगा, और दो पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये देना होगा। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 300 रुपये और 500 रुपये आपको लगेंगे दोनों पेपर के लिए, और सिंगल पेपर के लिए 300 रुपये। अगर बात करें यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको सब जगह बीएड चाहिए होगा विथ जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद आपको बीएड का डिग्री साथ में होना चाहिए। जैसे मैथ्स के टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बीएससी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए जिसमें मैथ्स आपका प्रमुख सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बैचलर इन साइंस अगर अप्लाई करते हैं तो बीटेक विथ साइंस होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हाइयर पेपर टू के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएससी इन मैथ्स होना चाहिए, उसके बाद आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए, तो कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए आप अगर ए लेवल में डी ओ ए डबल सी का सर्टिफिकेट लिया या पीजी आप किए हुए हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपने बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया है तो कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीए कंप्यूटर साइंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए के साथ पीजी का डिग्री होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में पीजी होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एमसीए मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 37 ईयर होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए एज लिमिट। और ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, फीमेल के लिए अगर हम देखें स्पेशली तो 40 साल एज लिमिट होता है, और एसटी एसटी में चले जाएंगे तो 42 साल हो जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा, पेपर वन का 150 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग टेक्निक और जो रीजनिंग होगा, मतलब मान लीजिए कि इसमें जीके होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर जीके होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपका होगा 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उसमें जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, टाइम आपको 150 मिनट मिलेगा, मतलब ढाई घंटे का समय मिलेगा। पेपर टू का भी सेम पैटर्न है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे, जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल स्कूल लेवल पे जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है तो कंप्यूटर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, वो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन होता है। अगर आपने अच्छे से डिग्री लिया हुआ है तो आपको नॉलेज होगा उस लेवल का, ठीक है। तो बिहार है, और इसके बाद आपको क्या होगा, जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 7 साल होगा। और जब भी बिहार में आपका कोई वैकेंसी निकलता है, बिहार एस्टेट टीचर का वैकेंसी निकलेगा तो आपके मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द बहाली हो जाता है इसमें, बट मान लीजिए कि नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर भी आपका रिजल्ट जो होगा 7 साल के लिए वैलिड होगा, 7 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इस एग्ज़ाम को फिर से दे सकते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे मैं बता दूं, इस साल जो वैकेंसी निकला था 37,000 पदों के लिए निकला था, बट 24,599 बच्चों का ही रिजल्ट हुआ जो क्वालिफाई हुए। तो क्वालिफाई होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होता है। तो इस साल रिजल्ट से, वैकेंसी से कम रिजल्ट हुआ। तो चांसेस है कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ सभी का जॉब हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में तो मैं बता दूंगा। तो पास हो या फेल हो दोनों के लिए अच्छा न्यूज है ये कि कुल मिला के एक और मौका आप लोग को मिलेगा। और यहाँ मैं बता दूँ, वैकेंसी आपको 31,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। और एक बात मैं बता दूँ कि बिहार स्टेट की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी, तो इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और किसी से भी रिलेटेड आप लोग को अगर क्लास चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।